Well, in this video, we are going to solve the given question. Here we have assigned the oxidation number to the underlying elements in each of the following species. Means, हमारे पास यहाँ पे different different species given है और हमने क्या करना है जो भी underlying elements है उन सभी की oxidation states calculate करनी है. अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों कैलकुलेट करनी है, हमें पता है कि अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से रिएक्शन सॉल्व करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है NaH2PO4, अंडरलाइन एलिमेंट है फोस्फोरस. तो इसका मतलब ये है कि हमें फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है. अब आपने क्या करना है, अगर स्पीशी पे आपकी कोई चार्ज नहीं है आप टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो रख देंगे. जैसे सोडियम है, सोडियम कितने देगा, +1. फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2. एक हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1. फिर फास्फोरस की हमें कैलकुलेट करनी है तो हम एक्स कंसीडर कर लेंगे. ऑक्सीजन अलग अलग केसेस में अलग अलग देता है, ऑक्साइड्स के केसेस में क्या देगा, -2. 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. इस सबको इक्वल टू पुट कर देंगे 0 के, पूरा कैलकुलेट करेंगे. अभी देखो +1 +2 +x -8 इज इक्वल्स टू 0. एक्स -8 +3 कितने हो गए, इज इक्वल्स टू 0. एक्स इज इक्वल्स टू +5. यही क्या है, हमारे पास आंसर है. इसका मतलब यह है कि आपके पास जब ये वाला मॉलिक्यूल है NaH2PO4 तो यहां पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5. सिमिलरली हमें सभी क्वेश्चन सभी मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट गिवन है NaHSO4. यहां पे हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सल्फर की. हमें पता है सोडियम कितनी, +1. प्लस एक हाइड्रोजन है ये कितनी देगा, +1. फिर प्लस सल्फर के लिए हमें निकालनी है तो हम एक्स कंसीडर करेंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2. इसको क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है तो हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के. अगर स्पीशी पे +1 या -1 +2 -2 कुछ भी चार्ज होगा तो उस चार्ज के इक्वल पुट करेंगे. अभी देखो ये हो गया +2 +x -8 इज इक्वल्स टू 0. एक्स -6 इज इक्वल्स टू 0. एक्स इज इक्वल्स टू +6. तो यानी यहां पे हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +6. कितने हाइड्रोजन है, 4. हमें पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1. हमने रूल्स में पढ़ा था हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर वो सोडियम के साथ अटैच है तो वो क्या शो करेगा, -1. फिर प्लस कितने टोटल, 2 फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए हमने एक्स कंसीडर कर ली इज इक्वल्स टू 7. ओ प्लस प्लस करेंगे 7, एक ऑक्सीजन -2 शो करेगा इज इक्वल्स टू 0. 4 प्लस 2x -14 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया 2x -10 इज इक्वल्स टू 0. एक्स इज इक्वल्स टू 10 /2 इज इक्वल्स टू +5. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पर भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5. नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास KMnO4, K2MnO4, K2MnO4. यहां पे हमें किसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Mn के लिए. देखो पोटेशियम कितने, 2. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, प्लस
Mn के लिए x कंसीडर कर लेंगे, प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस 6। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? प्लस 6। सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के रूल्स हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कौन सा एलिमेंट कब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स वेरिएशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CaO2। CaO2 अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन के लिए। तो कैल्शियम कितनी? प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है और हम क्या कंसीडर कर लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहां से x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है? माइनस 1। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास NaBH4। यहां पे हमें किसकी निकालनी है? B की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है B के लिए। तो हम क्या करेंगे? B की ऑक्सीडेशन स्टेट को x कंसीडर कर लेंगे। सोडियम प्लस 1 देगा, प्लस B के लिए x कंसीडर कर ली हमने, प्लस 4 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन प्लस 1 देगा इज इक्वल्स टू 0। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? माइनस 5, विच इज रॉन्ग। तो यानी हमारे पास जब ये वाला कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे सोडियम तो प्लस 1 शो कर रहा है पर मगर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन आएगा तो वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? माइनस 1। प्लस 1 सोडियम की, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू हो गई है प्लस 3। सो प्लस 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास दो एलिमेंट्स बचते हैं, एक तो H2S2O7 और एक बचता है KAlSO4 होल ट्वाइस इंटू 12H2। आपने क्या करना है? जैसे हमने ये 6 क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है सब में सबसे पहले क्या काम करना है? हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट करनी है। ओके, यस।